लगता है अजय देवगन सर के लाइफ में एक मास्टरपीस होने वाला है। वेलकम मैं शो अब ऑल्सो नाइस बीसी बरम ऑल्सो नाइस मिस्टर ईयरफोन्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं मैदान टीजर पे स्टारिंग अजय देवगन सर एंड प्रिया मणि मैम एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान सर। ओके वन मोर रीजन टू रिएक्ट टू दिस बट लेकिन लगता है कि एक ऑटोबायोग्राफी है ऑफ द पर्सन नेम्ड रहीम साहब। ये इंडियन फुटबॉल टीम के कोच थे और जब ये कोच कर रहे थे वो इंडियन फुटबॉल टीम का गोल्डन एरा था। ओके तो उस पर मूवी बनाया गया है, टीजर आ गया, चलो चेक करते हैं इस बारे में। लेकिन जाने से पहले ये करना मत भूलना और सपोर्ट करते रहना, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू एंड चलो चलते हैं, लेट्स डू दिस। आपका स्वागत करते हैं हेलसिंकी ओलंपिक स्टेडियम से। लगातार चलती बारिश के कारण आज मैदान पानी की चादर से ढक चुका है। आपको बता दें कि आज भारत की टीम भिड़ेगी अनुभवी यूगोस्लाविया की टीम से। भारत एक युवा देश जो अपनी आजादी के 5वें साल में दूसरी बार ओलंपिक्स में फुटबॉल खेल के लिए क्वालिफाई हुआ है। वाओ भारतीय खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा इस मैदान में नंगे पांव खेलना। Goosebumps loading. Oh wow, nice shot. Goosebumps loading. पक्का goosebumps और हमें रुलाने वाला है। ओके दैट इज वन थिंग फॉर श्योर। सेकेंडली मेरे को थोड़े फुटबॉल सीन्स के अलावा थोड़े राइट्स जैसे विजुअल्स भी दिख रहे थे अगर मैंने ठीक से देखा तो। मेरे को वो पता नहीं है क्या रीजन करके लेकिन वो भी डिस्टर्बिंग होने वाला है। थर्ड मेरे को ये सरप्राइजिंग था कि आज़ादी मिलने के 5 साल में इंडियन फुटबॉल टीम ने 2 बार ओलंपिक में क्वालिफाई हो गई। तो अब क्या हुआ इतने साल में, क्यों इंडियन फुटबॉल टीम has gone back so far? I don't know. I mean, ab to aa rahe hai, yeah, that is definitely there, but beech mein like almost 60-65 years kya hua Indian football team ki, agar 1952 to 62 mein itna bada progress kar saka to mere ko wo doubt aa raha hai. Kya koi history janta hai uske bare mein bata dena, comment section mein padh lunga as well. I would request you. Lekin jo bhi hai, lagta hai Ajay Devgn sir ke life mein ek masterpiece hone wala hai. Aur Rahman sir ka music bhi itna hard hitting tha. Priya Mani ma'am ka ek hi glimpse aaya tha lekin wo itne intense se ro rahe the, lagta hai ki unka character bhi bahut intense hoga karke. But overall mere ko ye bahut 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 intriguing lag raha hai aur mere ko jaldi jaldi dekhne ka man kar raha hai. Lekin aa raha hai 23rd June, wait karna padega aur 2 mahine, but okay it's okay. अच्छे प्रोजेक्ट के लिए 2 महीने वेट करना तो प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी नो अपडेट्स आने वाले हैं, ट्रेलर कब आएगा, सॉन्ग्स कब आएगा मेरे को ये पता नहीं, लेकिन जो भी है आई एम ब्लडी एक्साइटेड। मैं तो बोल रहा हूँ ये तो पक्का ब्लॉकबस्टर होने वाला है। मेरे को वो बहुत पसंद आया। ओके जैसे प्रेमिस सेट हुआ रहा स्लोली, वो अनाउंसमेंट के साथ ऐसे धीरे कैमरा मूव करके ग्राउंड पे आ रहा था और वो पानी में जंप करने वाला साउंड एंड देन नंगे पाँव में आके फुटबॉल खेलना चालू किया, वो सब ना जैसे वो टोन सेट हुआ वो भी मेरे को बहुत इंप्रेसिव लगा। बहुत हार्ड हिटिंग होने वाला है। लेट्स गेट रेडी फॉर सम गोस बम्स स्टफ इज व्हाट आई वुड से। थैंक यू सो मच देखने के लिए, ये मेरा रिएक्शन है मैदान टीजर पे। आपका थॉट्स क्या है कमेंट्स में बता देना। मैं जल्द ही आपको एक और वीडियो में मिलूंगा, तब तक ये करना मत भूलना और सपोर्ट करते रहना। रिक्वेस्ट यू एंड ऑल्सो वंस अगेन देखने के लिए बहुत शुक्रिया। दिस इज शो अप साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड पीस।